सरकार की तरफ से डिजिटल इंडिया वीक मनाने का फैसला किया गया है। सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगा। ऐसे में उत्तराखंड सरकार इसे डिजिटल उत्तराखंड के रूप में मान रही है। इसको लेकर मुख्य सचिव एन रविशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और सभी जिलाधिकारियों को इसके क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। यूटीईटी परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने परिणामों की घोषणा की है। यूटीईटी में कुल 13,682 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें यूटीईटी प्रथम में कुल 7,574 और द्वितीय में 7,826 अभ्यर्थी सफल रहे। इस तरह इस परीक्षा में 15,400 अभ्यर्थी पास हुए। पहले पेपर में 11.19% और द्वितीय में 11.32% अभ्यर्थी सफल रहे। अभ्यर्थी बुधवार को इंटरनेट पर परिणाम देख सकेंगे। उत्तराखंड वन विभाग को अब अपना नया मुखिया मिल गया है। प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक रहे एसएस रावत सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिसकी जगह अब पीसीसीएफ श्रीकांत चंदौला को नई जिम्मेदारी दी गई है। सीएम ने विदाई पर एसएस रावत को फूलों के साथ अभी तक के कार्यकाल की बधाई दी, तो वहीं नए बनाए जा रहे पीसीसीएफ श्रीकांत चंदौला को भी सीएम ने बधाई दी। श्रीकांत चंदौला इस समय वन विकास निगम में प्रबंधक निदेशक के पद पर तैनात है। बीजेपी शासनकाल के ढांचा बीज घोटाले की जांच रिपोर्ट से कैबिनेट में रखकर इसको अधिकारियों की कमेटी को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसकी पुष्टि कर दी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि रिपोर्ट कैबिनेट में रख दी गई है और ऐसे में हम चाहते थे कि इस मामले में ऐसा न लगे कि किसी राजनीतिक दुर्भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है, इसलिए इस मामले में एक्शन लेने से पहले अधिकारियों की एक टेक्निकल टीम इसका परीक्षण करेगी और उसके बाद ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि अभी हम अगर फैसला का नहीं ले पाएंगे तो कहा जाएगा कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने आपदा राहत घोटाले की जांच को जल्द सार्वजनिक करने की मांग की है। सीएम हरीश रावत को पत्र लिखकर किशोर उपाध्याय ने आग्रह किया है कि किसी भी तरह से संदेश नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि किशोर उपाध्याय ने सीएम को पत्र लिखने की बात को तो स्वीकार लिया, लेकिन इसके लीक होने पर आपत्ति जताई। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री पर जिम्मेदारी है कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे और इस समय जनता जानना चाहती है कि आखिरकार आपदा घोटाले में कौन जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के आदेश का तुरंत पालन किया जाएगा। उनके अनुसार अभी मुख्य सचिव ने मुझे रिपोर्ट नहीं सौंपी है और जैसी रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। देहरादून में सीएम हरीश रावत ने वन विकास निगम कार्यालय में समीक्षा बैठक की। सीएम वन विभाग के अधिकारियों के साथ सरकार के पदाधिकारियों के साथ भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। वन विकास निगम और अधिक मुनाफा देने वाला निगम कैसे बने, इस पर अधिकारियों के साथ सीएम ने अहम चर्चा की। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सुझाव दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने आपदा क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। कुमाऊं मंडल विकास निगम के अंतर्गत चलने वाले टीआरसी गेस्ट हाउसों में जल्द कमरे के किराए बढ़ने जा रहे हैं। दूसरे व्यवसायिक होटलों से कंपटीशन के चलते निगम टीआरसी के कमरों का किराया बढ़ाने जा रहा है। नैनीताल में आयोजित निगम की बोर्ड बैठक में इस बात पर स्वीकृति बनी है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के एमडी का मानना है कि टीआरसी गेस्ट हाउसों में किराया बढ़ाने की मैं आवश्यकता है, लेकिन महज कुछ फीसदी, जिससे पर्यटकों को भी दिक्कत न हो। हत्या का प्रयास समेत तमाम अन्य संगीन धाराओं में न्यायिक हिरासत में चल रहे बाबा रामदेव के भाई राम भरत को फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहना होगा। राम भरत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। राम भरत देहरादून की निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की, मगर निचली अदालत ने राम भरत को जमानत देने से इनकार कर दिया। जमानत याचिका खारिज कर दी गई। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने पर बाबा राम भरत ने नैनीताल हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की और घटना के सीसीटीवी फुटेज भी देखे, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। फिलहाल अब तक राम भरत को न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहना होगा। राम भरत की जमानत याचिका पर कोर्ट अब 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगी। उधम सिंह नगर के एकमात्र 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू पर 2 साल पहले खाद्य विभाग ने तेल के नमूने लिए, जिस पर एडीएम कोर्ट ने फैसला आ गया है। एडीएम उधम सिंह नगर ने रेडिसन ब्लू होटल पर 3 लाख रुपए और खाद्य तेल कंपनी बनाने वाले बिजी कंपनी पर 4 लाख और तेल के सप्लायर पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। इस मामले में खास बात यह रही कि नमूने की पहले उदयपुर की खाद्य रैप में ही जांच होटल प्रबंधन ने कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद यही नमूना पुणे की एक लैब में भेजा गया, लेकिन वहां
सभी नमूने की रिपोर्ट नेगेटिव आई और इसे निबंध स्तर कर दिया गया। सरकार ने राज्य कैबिनेट के एक फैसले पर अपनी सफाई दी है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने की बात पर राज्य कैबिनेट ने कमेटी का गठन कर रिपोर्ट मांगी है। वहीं सूचना महानिदेशक विनोद शर्मा का कहना है कि कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने की बात पर एक्ट बनाने का फैसला कर लिया है, जिसको ड्राफ्ट बनाने को कमेटी का गठन किया गया है, जो जल्द ही जल्द रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंपेगी। टीरी के बिलंगाना ब्लॉक के बड़ियार थात गांव में हाईटेंशन लाइन टूटकर खेत में गिर गई। धान की रोपाई करने गई दो महिलाओं और एक पुरुष की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई। ग्रामीणों ने दोनों महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखनी पहुंचाया, जिसके बाद घायलों की हालत बिगड़ने पर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही एसडीएम घनसाली थाना पहुंच गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर हंगामा किया। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से चारधाम यात्रा मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसकी वजह से प्रशासन ने बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा रोक दी थी। पर एक बार फिर यात्रा मार्ग खुलने से चारधाम यात्रा के लिए जा रहे यात्रियों के लिए एक चेहरे खुल गए हैं। लंदन से आया 45 लोगों का दल खुशी खुशी चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुआ। यात्रियों ने कहा कि बारिश की वजह से यात्रा रोक दी गई थी, जिसके कारण वो मायूस हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग खुलने से उन्हें काफी खुशी है। चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को पुलिस चारधाम यात्रा के पड़ावों पर मौसम की भी जानकारी देगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत निर्देशों के बाद आईजी संजय गुंजाल ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए खाका तैयार किया। पुलिस पहले हाथ से लिखे संदेशों के माध्यम से फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ साथ SMS सर्विस के जरिए भी मौसम की जानकारी देगी। इस जानकारी का स्रोत मौसम विभाग की इकाई होगा। आईजी संजय गुंजाल के मुताबिक ऋषिकेश में हर यात्री का रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ मोबाइल नंबर भी लिखा जाता है, जिस पर मौसम संबंधी सूचना दी जाएगी। रुद्रपुर में बीती रात रुक रुक कर हो रही बारिश ने आम जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की एकमात्र नदी कल्याणी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे नदी के तटीय इलाकों में रहने वालों पर संकट गहरा गया है। हालांकि इस लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट के चलते लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। अधिकतम तापमान गिरकर 31 डिग्री पर आज पहुंचा है। बारिश को लेकर लोगों ने खुशी जाहिर की है। पिथौरागढ़ में समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा सर्व शिक्षा अभियान की बैठक ले रहे थे। बैठक में सामने आया कि जिले के 1163 प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, जबकि 204 हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में मात्र 85 प्रधानाचार्य मौजूद है। यहां 400 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। अजय टमटा का कहना है कि पिथौरागढ़ मुख्यालय में कुल 78 निजी स्कूल है, जिनमें से शिक्षा के अधिकारी अधिनियम का लाभ मात्र 28 गरीब बच्चों को ही मिला जा रहा है। उन्होंने कहा कि रमसा के तहत जिले में 30 स्कूलों के लिए केंद्र से धन स्वीकृति हो चुकी है, जिनका अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। उत्तराखंड चुनाव के समाजवादी पार्टी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने पहाड़ में पार्टी का चेहरा भी घोषित कर दिया है। सीएम अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज सांसद डिम्पल यादव सूबे में पार्टी का चेहरा होंगी। डिम्पल उत्तराखंड की रहने वाली है, ऐसे में पार्टी ने सबकी बार डिम्पल के चेहरे पर वोट डालने जुटाने की कोशिश की है। सपा प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने राष्ट्रपति अध्यक्ष को पत्र लिखकर डिम्पल यादव को चुनाव में चेहरा बनाने की मांग की। अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि डिम्पल यादव पहाड़ की बेटी हैं और इन्हीं की प्रदेश में सपा चुनावी चेहरा बनाएगी, साथ ही यूपी सरकार की योजनाओं को भी जनता से समझा जाएगा। डीएम रविनाथ रमन ने कारगी क्षेत्र में बसी बस्तियों को हटाने का फरमान सुनाया तो लोगों में डीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नगर निगम में जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि उन्हें पूर्व मेयर मनोरमा शर्मा के कार्यकाल में ब्रह्मवाला खाला से हटाकर बसाया गया था। अब डीएम बारिश के दिनों में मुकदमे झेलने की धमकी दे रहे हैं। इसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड समेत बिजली के बिल भी हैं। प्रशासन के अधिकारी भी अब चिंता में फंस गए हैं और मामला राजनीतिक रंग लेता भी देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने सरकार की कैबिनेट बैठक पर सवाल खड़े किए हैं। भट्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है और पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त आरक्षण के मुद्दे पर मात्र समितियों का ही गठन कर रही है, जबकि इस मामले में तो सरकार को एक्ट विधानसभा में पेश कर देना चाहिए था। उन्होंने रमसा कर्मचारियों को लेकर हुए 1860 पदों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भट्ट ने कहा कि सरकार ने तो रमसा में अब तक काम कर रहे कर्मचारियों के लिए और परेशानियां बढ़ा दी हैं। सरकार ने नई सिरे से नियुक्तियां करने का फैसला लिया है, जो ठीक नहीं है। कर्मचारी पहले से ही काम कर रहे हैं, उन्हें इस पदों का एडजस्ट किया जाना चाहिए था।
राज्य सरकार ने बीजेपी शासनकाल में हुए ढांचा बीज घोटाले की त्रिपाठी जांच आयोग की रिपोर्ट कैबिनेट को रख दी है। रिपोर्ट पर सीएम ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा की और इसकी समीक्षा के लिए न्याय और कृषि विभाग के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की समिति का गठन कर दिया गया। समिति रिपोर्ट के अध्ययन के बाद सरकार को सुझाव देगी कि इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्ट आने के बाद इस मामले को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। सूत्रों की माने तो कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने यह भी कहा कि किसी भी नेता या अधिकारी की दुर्भावना के कारण कार्रवाई ना हो। वही ढांचा बीज घोटाले में आरोपों झेल रहे पूर्व कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि गड़बड़ी लगातार हो जा रही है। देहरादून के निजी नर्सिंग होम में बीते दिनों सीसीटीवी की मदद से हुए खुलासे में पुलिस ने सबक लिया है। एसएसपी पुष्पक ज्योति ने निजी क्लिनिक संस्थानों के साथ बैठक करते हुए ओपीडी और जरूरी स्थानों पर कैमरा लगाए जाने की नसीहत दी और जल्द से जल्द कैमरा लगाने को कहा। देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर से टैक्सी स्टैंड को हटाने पहुंची रेलवे और प्रशासन की टीम को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। स्टैंड को ध्वस्त करने पहुंची जेसीबी की टैक्सी चालक लूट कर ले गए और टैक्सी यूनियन ने वाहन संचालन भी ठप कर दिया। उसके बाद दूर दराज से आए यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने टैक्सी यूनियन को नसीहत देते हुए 30 जून के दिन स्टैंड हटाने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद कार्रवाई के लिए अधिकारी पहुंच गए तो हंगामा खड़ा हो गया। रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क का पर्यटन सत्र बिजवानी टूरिज्म जोन के बंद होने के साथ समाप्त हो गया है। इसके पहले 15 जून को ढिकाला और दुर्गा जीव जोन पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए थे। मानसून सत्र में बारिश के चलते पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए पर्यटन गतिविधि शुरू की जाती है। कॉर्बेट का बिजवानी जोन 3.5 माह के लिए बंद कर दिया गया है। 15 अक्टूबर को पुनः बिजवानी जोन पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, जब पार्क का झिरना और भेला जोन ही पर्यटन के लिए खुले रहेंगे। हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में महंगी शॉपिंग कराने महिला की मौत का सबब बन गया। कलयुगी पति ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। इसलिए कर दी क्योंकि वो नुमाइश मेले से महंगा सामान खरीद कर लाई थी, जिसके बाद दोनों पति पत्नी में कासुरी हो गई। इसी बीच पति ने पत्नी की लोहे की रॉड से पीट पीट कर मौत घाट कर दिया। वारदात के बाद से आरोपी पति मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।